राइट, टू फैक्टर दैट कंट्रोल आवर डिसीजन। तो जब बटरफ्लाई हमारे अंदर आती है तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो हमारे डिसीजन पर असरअंदाज होते हैं। वो है हमारा स्टेट ऑफ माइंड। एट दिस मोमेंट मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है? मैं हैप्पी हूँ तो वो असरअंदाज होगा। अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो वो असरअंदाज होगा। एक बच्चा आकर के आपसे बात करे तो एक टाइम आप बहुत अच्छे से, क्या हुआ बेटा, क्या कैसा है, उसका आधा मसला खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ही हैप्पी स्टेट में हैं। लेकिन अगर आप हैप्पी स्टेट में नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड स्टेट में हैं, तो क्या करेंगे आप? फौरन, क्या बेटा ये कैसे काम कर रहे हैं, ये आप कहेंगे। और वहां पर क्या होगा कि आपका स्टेट बच्चे की स्टेट के साथ मिल करके वो इश्यू सॉल्व होने की जगह वो और प्रॉब्लम में चला जाता है। तो स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली वी वॉन्ट टू फील स्टेट ऑफ एम्पावरमेंट, लाइक कॉन्फिडेंस, सर्टेनिटी एंड अडाप्टेबिलिटी, अडाप्टिवनेस, इस तरह की तमाम चीजें, पॉजिटिविटी। ये जो क्वालिटी है, ये अगर हमारी लाइफ में इंपैक्ट कर रही है, मोस्टली इंपैक्ट कर रही है, तो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में है। वरना हमारा जो मैक्सिमम टाइम गुजरता है वो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में गुजरता है, यानी फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, एनॉय में रहते हैं। इस तरह के स्टेट में जब हम रहते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत से मसाइल शुरू हो जाते हैं। और वो मसाइल ये रहते हैं कि हम बहुत आसानी के साथ कोई चीज कर नहीं पाते हैं। तो इससे बहुत से मसाइल हमारी लाइफ में आते हैं। तो द टू फैक्टर दैट कंट्रोल्स अवर डिसीजन, वो है पहला स्टेट, है स्टेट ऑफ माइंड है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, जितने लोग यहां शरीक है उसमें से मैक्सिमम लोग जानते हैं, स्टेट को बनाने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। वो है आपका पहला फोकस है। किस चीज पर आपका फोकस है वो आपके स्टेट ऑफ माइंड को सेट करेगा, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में आपका फोकस किधर है। फिर दूसरा आपका फिजियोलॉजी है, यानी कि आपकी बॉडी का इस वक्त क्या हालत है। अगर आपकी बॉडी कमजोर है, आपकी बॉडी जो है वो इक्विप्ड नहीं है पॉजिटिविटी के साथ, या फिर तीसरा ये कि आपके जुबान के अल्फाज, ये तीनों मिलकर के आपके स्टेट को बनाते हैं। एनएलपी में हम एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल के नाम से एक बहुत बड़ी चीज पढ़ते हैं, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का रहता है, जिसमें मुख्तलिफ अंदाज से हम गुफ्तगू करते हैं कि किस तरह से एनएलपी हमारे ऊपर असरअंदाज करती है, जिसमें स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी है हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है। तो ये दो फैक्टर हैं जो असरअंदाज होते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में, जो कि फर्स्ट स्टेट है, दूसरा हमारा ब्लूप्रिंट है। यानी लॉन्ग टर्म में ब्लूप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। मैं दुनिया को किस नजरिए से देखता हूं, ए बेसिक सेट ऑफ बिलीफ अबाउट हाउ वी आर सपोज टू बी, हाउ लाइफ सपोज टू बी, हाउ अदर पीपुल सपोज टू बी। वो हम जो ट्रीट करने का हमारा अंदाज है कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, मैं कैसा होना चाहिए, मेरे अजीज वकारीब कैसे होने चाहिए, अदर पीपुल कैसे होने चाहिए, ये जो हमारे दिमाग में ब्लूप्रिंट है उसके सिलसिले में, कि हम समझते हैं कि इनो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो सही है, ऐसा नहीं है तो ये साहब सही नहीं, ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं तो सही है, इनको मेरे साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए, मुझे इनके साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए। ये अगर ब्लूप्रिंट गलत है, ये ब्लूप्रिंट हमेशा डाउट पर टिका हुआ है, ये ब्लूप्रिंट हमेशा शक पे टिका हुआ है, ये ब्लूप्रिंट हमेशा नेगेटिविटी पे टिका हुआ है, नेगेटिविटी पे, तो लाजमन होगा कि हमारे जितने भी डिसीजन हैं, फैसले हैं, वो असरअंदाज होंगे। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्टेट एंड ब्लूप्रिंट। इन दोनों का हमें जायजा लेने के लिए एनएलपी को हमें समझना होगा, जिससे और हमें बहुत फायदा होगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। लाइफ कंडीशन इक्वल टू ब्लूप्रिंट इक्वल टू हैप्पीनेस, कि लाइफ कंडीशन हमारे जैसे होंगे वैसा हमारा ब्लू प्रिंट होगा, वैसे हम हैप्पीनेस हमारे अंदर आएगा। लाइफ कंडीशन इक्वल टू ब्लू प्रिंट इक्वल टू पेन। अगर ये दोनों चीजें, यानी कि जब लाइफ लाइफ इक्वेशन जो है ब्लू प्रिंट के साथ मैच कर रही होगी तो हैप्पीनेस आएगा, लेकिन अगर लाइफ इक्वेशन जो है वो ब्लू प्रिंट के साथ मिसमैच कर रही है तो पेन आएगा हमारी जिंदगी में। इस चीज को और जरा, इस आइडिया को जरा समझे, मैं और एक मरतबा कहता हूं, लाइफ आपकी कंडीशन जो है वो ब्लूप्रिंट के साथ, यानी कि माइंडसेट के साथ मैच कर रही हैं तो आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ की जो कंडीशंस हैं, यानी बिहेवियर है, वो तमाम चीजें हैं, वो आपके ब्लूप्रिंट के साथ मैच नहीं कर रहे, मिसमैच हो रही हैं, नगेट कर रही हैं, तो आपकी जिंदगी में हमेशा पेन रहेगा। और हमारी जिंदगी जो है इन दोनों चीजों के दरमियान में गुजरती है, पेन और प्लेजर के बीच में, पेन और प्लेजर के बीच में। जब हमारी लाइफ इक्वेशंस, लाइफ कंडीशन जो है वो इसके साथ मैच होती है ब्लूप्रिंट के साथ, खुश रहते हैं हम लोग। लेकिन अगर वो मैच नहीं करती हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो इसे हमें समझने की जरूरत है। एनएलपी इस पर हमें बहुत ज़्यादा गाइड करता है। ये हमारा जो 5 दिन का कोर्स है इस पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये स्क्रीन का शॉट ले लें, हम इस पर ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर हम काम करेंगे। इस स्क्रीन का शॉट लें और आप खुद इस पर काम करें, यानी ये कि
व्हाट इज एन एरिया ऑफ योर लाइफ वेयर यू आर रियली हैप्पी. आप देखें सोचें, यानी कि आपके फिजिकल हेल्थ में आप हैप्पी हैं, रिलेशनशिप में आप हैप्पी हैं, करियर में हैप्पी हैं नहीं है, इस पर आप काम करें. व्हाट आर यू हैप्पी इन दिस एरिया, किस वजह से आप हैप्पी हैं उसका जायजा लें, किस वजह से आप हैप्पी नहीं हैं उसका जायजा लें, अनहैप्पी किस एरिया में है आप इसको लिखें, तो आपको मालूम होगा कि किस एरिया पर मुझे अपने स्टेट को फोकस करना है, किस एरिया के ब्लू प्रिंट में मुझे तब्दीली ले आना है. इसमें NLP के वैल्यूज़ की टेक्निक है, NLP के बिलीफ की टेक्निक, NLP के जो है प्रेडिकेट्स हैं, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें हैं, वो आपको काम करेंगे, अपने न्यू वर्जन पर आप काम कर सकेंगे, इससे आपको बड़ा फायदा होगा. अब ये सवाल ये पैदा होता है कि NLP का जो 5 days का कोर्स है वो हमें क्या देता है, व्हाट आर द थिंग्स. जी किसी ने सवाल किया है कुछ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. रियल में नेगेटिव रहा तो ब्लू प्रिंट तो वैसे ही आएगा, इसको कैसे चेंज किया जाए? जी अगर अगर आपका ऑलरेडी आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपका ब्लूप्रिंट वैसा ही है, तो एक्चुअली जो बच्चा पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है. नेचुरली हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, दी बेस्ट पैदा होता है, वो क्या है, फी आहसनी तकवीम में पैदा होता है, दी बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चा पैदा होता है. हमारे बाद में माँ बाप के जो इंटरवेंशन होते हैं, माँ बाप का जो रोल होता है, या अजीज व अकारिब का रोल होता है, या माहौल का रोल होता है, वो आपके ब्लू प्रिंट में तब्दीली ले आता है, और वो ब्लू प्रिंट में तब्दीली होती रहती है. NLP में बहुत से ऐसे आस्पेक्ट हैं जब हम अनकॉन्शियस माइंड से काम करते हैं, जब हम मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए से इस फियर को, गिल्ट को, सैडनेस को, हर्ट को, या तमाम चीजें जो आपके ब्लूप्रिंट में जमा हो चुकी हैं, गंदगी फैलाई हुई है, आपकी ब्लूप्रिंट को खराब कर दिए हैं, वो NLP की मुख्तलिफ टेक्निक से, जैसे टाइमलाइन थेरेपी कहते हैं, या फिर जो डिसीजन मेकिंग के जो मुख्तलिफ थेरेपीज हैं, उसके जरिए से हम ये इश्यूज को निकालते हैं. मुख्तलिफ अवेयरनेस है आपके ऊपर, कितने लेयर हैं उसको जब आप समझते हैं तो मुख्तलिफ चीजें आती हैं. जब आप जो है आई एक्सेस को समझते हैं कि सामने वाले की आंखें कैसे हो रही हैं, उससे आप समझते हैं, या हमारे मुख्तलिफ जुबान के जो पैटर्न्स हैं, जुबान का जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर तकिया कलाम हम इस्तेमाल करते हैं, वो तकिया कलाम हमारे ब्लूप्रिंट पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है, उससे भी आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा ब्लूप्रिंट कैसे चेंज होता है, उस पर कैसे काम किया जाए. तो डू यू स्ट्रगल विथ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर ए बिग जंप इन लाइफ. बहुत से लोगों को मसला रहता है कि वो कॉन्फिडेंट अपने अंदर पैदा नहीं कर पाते, बड़ा टारगेट उनके सामने मौजूद है लेकिन उसको जंप करने में उनको तकलीफ होती है. तो NLP का ये 5 days कोर्स उन्हें मुस्बत असरात में ले आएगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करेगा. फिर ये कि वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन सकते हैं, सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने अल्फाज के जरिए से. NLP के लैंग्वेज पैटर्न जो है इस पर काम करते हैं, उसके जरिए से उन लोगों को बड़ा फायदा होता है. उनके अंदर नेगोशिएशन स्किल आती है, अगर वो बिजनेस में काम कर रहे हैं, जॉब में है, या किसी अच्छे पोजिशन पर है, वो डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, इवन अपने फैमिली डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, शोहर और बीवी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, शोहर बीवी की एनर्जी को समझ सकता है, बीवी शोहर की एनर्जी को समझ सकेंगे, उसके बाद नेगोशिएशन आसान होगी, हैंडल कर सकेंगे आसानी के साथ शोहर और बीवी को, बच्चों को हैंडल करने में आपको आसानी होगी अगर आप NLP के इस 5 days कोर्स को करते हैं. फिर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, दूसरों की पर्सनैलिटी को, उनका प्रोग्राम दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ सकते हैं, आपके दिमाग में क्या प्रोग्राम चल रहा है वो आप समझ सकते हैं, ताकि आप प्योर क्वालिटी, हाई क्वालिटी ऑफ स्टेट के साथ, एम्पावरिंग स्टेट के साथ आप लोगों को डील कर सकेंगे, राइट बिहेवियर के साथ आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं. फिर मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट, NLP में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं पार्ट इंटीग्रेशन कहते हैं, दो आपके बॉडी के पार्ट होते हैं. जब भी आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में, मिसाल के तौर पर मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, मिसाल के तौर पर जो है मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे इन साहब से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बेसिकली आपके अंदर दो पार्ट्स, एक पार्ट कह रहा है कि ये मेरे लिए फायदेमंद है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि मेरे लिए बहुत नुकसानदेह, ये फाइटिंग जो चलती रहती है इसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. और जब आप इन दोनों पार्ट को अपने दो हाथ में रख करके, जो NLP पार्ट इंटीग्रेशन का प्रोसेस है उसको रख करके जब आप दोनों से बात करते हैं, हम 5 days कोर्स में आपको बताएंगे कि किस तरह से करना है, और जब इन दोनों को मिला करके आप अपने अंदर इंटीग्रेट करते हैं, होलनेस लेके आते हैं, तो आपका इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाता है. तो इसी तरह मुख्तलिफ आपके इस गोल को सेट करना, उसको 100% कैसे अचीव करना, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं पर्सनल लाइफ में और कहाँ जाना है, प्रोफेशनल लाइफ में आप कहाँ पहुँचे मौजूद हैं, आपको कहाँ जाना है, ये तमाम चीज़ें NLP के 5 days कोर्स में आपको मिलेंगी. तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिसे हमें समझना चाहिए. तो हमें जो चॉइसेस की जो मैंने आपके सामने बात की, इसमें आप देखेंगे कि ये जो बात की हमने,
जिसमें डिसीजन की बात की कि दो चीजें स्टेट और ब्लूप्रिंट है, तो उसमें जो है चॉइसेस आते हैं आपको, तीन तरह के आपको चॉइसेस आते हैं। जब आप पेन में होते हैं, पेन प्रोवाइड यू थ्री चॉइसेस, एक एस्पेक्ट पर मैं बात करूंगा अगले 5 मिनट में इंशाल्लाह। तो जैसे ही आप पेन में रहते हैं आपके पास तीन चॉइस रहती है। एक चॉइस क्या रहता है, ब्लेम करना, यानी कि वो वक्त खराब था, वो इवेंट खराब था, वो लोग उन लोगों की तरफ से हुआ, अदर्स की वजह से हुआ, या फाइनली आप अपने आप को ब्लेम करेंगे। ये चॉइस है, यानी कि लोगों को ब्लेम गेम में रहेंगे आप, इवेंट को ब्लेम करेंगे, अपने आप को ब्लेम करेंगे, दूसरों को ब्लेम करेंगे, इसमें रहेंगे। दूसरा चॉइस आपके पास है कि चेंज योर लाइफ कंडीशन, आप अपनी लाइफ की कंडीशन को चेंज करें, यानी कि अभी मेरे पास जो है ना वो तमाम जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो कंडीशंस मेरे पास नहीं है। मिसाल के तौर पर लाइफ की कंडीशन में जो है ना, आप हमेशा सुबह उठते हैं तो बहुत देर से उठते हैं, आप लाइफ कंडीशन को चेंज कीजिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ वार्म अप कीजिए, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपकी लाइफ फिजिकल कंडीशन आपकी चेंज हो जाए। इसी तरह इमोशनल कंडीशंस को आप चेंज करें, हमेशा पॉजिटिव स्टेट में रहिए, हमेशा खुश खुर्रम रहिए, उसके डिफरेंट टेक्निक्स को सीखिए, ये लाइफ की कंडीशन को चेंज करेंगे तो आपको इसके जरिए से भी आपके लाइफ में बड़ा फायदा होगा। फिर चेंज योर ब्लूप्रिंट, वो कैसे करना है उस पर हम बात कर सकते हैं, या मैं जस्ट एक छोटी सी दो तीन बातें रख करके अपनी बात को खत्म करूंगा। तो ये जो तीन चीजें हैं, जो हमारी स्टोरीज हैं, हम जो अपने आप से बात करते हैं, जो हमारी स्टोरीज हैं, इसको चेंज करेंगे तो आप ब्लेम गेम से बाहर निकलेंगे। क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को अनहैप्पी हूं, मैं तो बहुत गिरा हुआ हूं, मैं तो बहुत गुस्से वाला हूं, मैं तो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूं, इस तरह की मुख्तलिफ बात लोग अपने आप को करते हैं। लेकिन जब आप दूसरों से बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आई एम इन दिस सिचुएशन बिकॉज दिस पर्सन, इस तरह से आप कह रहे हैं, तो बेसिकली आप अपना पावर दूसरे के हाथ में दे रहे हैं कि आप मुझे जैसे रिमोट कंट्रोल की तरह जैसे इस्तेमाल करना चाहिए आप इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप अपने आप को ये कह रहे हैं कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल, मैं ही, मेरी वजह से ये सब चीज़ें होता है, मेरे अंदर वो तमाम कोशिशें नहीं है, मेरे पास वो काबिलियत नहीं है। ये जो फर्स्ट चॉइस है, ये हमेशा आपको तबाह बर्बाद करेगी। जो आदमी ब्लेम गेम में रहता है वो कभी अपनी लाइफ को ऊपर नहीं कर सकता है, अपने आप को कामयाबी की तरफ नहीं ले आ सकता है। तो कभी भी इस ब्लेम गेम के फर्स्ट चॉइस में अपने आप को ना रखें, खुदारा ना रखें। तो ब्लेम इज अ चॉइस दैट डज नॉट गिव यू एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, तो कुछ भी आपको नहीं दे सकती ब्लेम गेम। तो इसलिए अपने आप को इस ब्लेम गेम से हमेशा के लिए निकालिए। फिर दूसरा यह है कि चेंज योर लाइफ कंडीशन, तो हमेशा प्रोग्रेस की सिमत रहें, न्यू एक्शंस लें, न्यू करेज लें, लाइफ में कुछ नया कर गुजरने का आप अंदर रहें, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की तरफ जाएं, हैप्पी रहें और अपने आप को एम्पावर करें, तो आप ये होगा कि आप इस कंडीशन से बाहर निकलेंगे और ज़बरदस्त आपकी लाइफ में होगा, यानी कि फिजिकल कंडीशंस को आप चेंज करें। फिर ये कि आपके ब्लूप्रिंट को चेंज करें, जो आपके अंदर जो कुछ हो रहा है आउटसाइड वर्ल्ड पर आप भरोसा ना करें, इनसाइड के अंदर तब्दीली करें, इनसाइड के अंदर तब्दीली करेंगे, अपने आप को कॉन्फिगर करेंगे, अपने बिहेवियर को कॉन्फिगर करेंगे, अपने माइंड को कॉन्फिगर करेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे जो कि NLP की प्रोग्रामिंग है, तो आपके अंदर बहुत कुछ तब्दीली आएगी और आप कामयाबी की तरफ पहुँच सकते हैं। मेक ए न्यू चॉइसेस, ये एक छोटा सा असाइनमेंट था लेकिन हम यहाँ पर नहीं कर सकेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 40 मिनट्स हो चुके हैं। तो ये दो बातें मैं आज आपको बताना चाह रहा था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि NLP के 5 डेज के कोर्स से पहले पहले मेरे जितने भी शुरुआत हैं वो इस चीज़ को समझ सकें और ये अपनी लाइफ में कर सकें। इसको स्नैपशॉट लीजिए, इस एक्सरसाइज को कीजिए, राइट व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ वुड बी लाइक यू फॉर टुडे, आज कैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ आप जीना चाहते हैं, व्हाट वुड योर लाइफ बी लाइक If you was exactly, यानी कि exactly जो चाहते हैं वो करना चाहें तो कैसी रह सकती है आपकी लाइफ, लिखिए बाइट करके। स्टार्ट विथ ए अल्टीमेट आई एंड इन द माइंड, मतलब कि एंड गोल सामने रख करके डिसाइड कीजिए, आपकी लाइफ में एक जबरदस्त तब्दीली आएगी। तो एंड इन माइंड NLP का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि स्टार्ट करें अपने गोल को, एंड इन माइंड कहाँ पर जाके आपके खत्म होंगे, लाइफ ऑन योर ओन टर्न, अपने ओन टर्न पे जीना शुरू कीजिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ कैसे हो सकती है आप इस पर काम कीजिए, आपकी लाइफ में न्यू चॉइसेस आएंगे, ब्लेम गेम से आप बाहर निकलेंगे, एक नई जिंदगी आप गुजारने वाले बनेंगे, एक नए अंदाज से इस पेंडेमिक को, न्यू ईरा को देखेंगे, एक नए एम्पावरिंग बिलीफ के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि आप इस अंदाज से आगे बढ़ें, हमारा NLP का ये 5 डेज का कोर्स आपके अंदर वो एम्पावरिंग चीज़ें पैदा करेगा और वो आपके अंदर फ़ायदा मंद देगा।